तो फ्रेंड्स आज हम सोलर कुकर की ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले इस तरीके से एंगल में लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें सूटकेस जैसा बनाना है 3D में। तो यहाँ पे इस तरीके से दो लाइन को खींचना है और ऐसा रेक्टेंगुलर को बनाना है। फिर यहाँ से एक लाइन इस एंगल में खींचनी है। तो आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं एकदम इजी तरीके से आपको दिखाऊंगा। तो एंड तक ज़रूर देखना, ज़रूर बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले ऐसा बेस बना लेना है। अभी उसकी हम थिकनेस को ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये सब स्केल की मदद से ड्रॉ करना है। मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए रब ड्रॉ किया है। अभी यहाँ पे उसको हम 3D में दे देंगे। सेम यहाँ पे थिकनेस ऐड करनी है। तो ऐसा सबसे पहले सूटकेस जैसा शेप को ड्रॉ कर देना है। अभी उसके बीच में एक प्लेट आएगी ग्लास की, वो हम ऐड ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करना है। उसकी थिकनेस हम ऐड कर देंगे। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस टाइप के वीडियो और भी अपलोड करता रहूँगा। तो अभी इसकी थिकनेस को ऐड कर देते हैं अंदर की। तो यहाँ पे हमें अंदर पैरेलल लाइन को ड्रॉ करना है। अभी यहाँ पे हम हैंडल को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा शेप ड्रॉ करना है, फिर इस तरीके से उसको एक्सटेंड कर देना है। सेम नीचे थिकनेस ऐड करनी है। अभी अंदर जो डब्बे है वो हम ड्रॉ करेंगे कुकिंग के। तो इस तरीके से राउंड ड्रॉ करके ऐसे हमें 4 शेप के बनाने हैं। फ्रेंड्स हमारा जो कुकर है वो रेडी हो गया है। अभी हम जो लाइन है उसको डार्क कर देते हैं और थोड़ा शेडिंग को ऐड कर देते हैं ताकि अट्रैक्टिव दिखे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।